स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम क्लासिकल कंडीशनिंग के जो कुछ बचे हुए रूल्स हैं, बचे हुए लॉज हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ नियमों का अध्ययन किया था, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के कुछ नियमों का अध्ययन किया था, जिनमें उत्तेजन का नियम, आंतरिक अवरोध का नियम, बाह्य अवरोध का नियम और उसके साथ साथ अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के कालिक्रम का अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, बचे हुए लॉज हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नियम है वह है आज का उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम। उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या बताया गया कि जब प्राणी अनुबंधित उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है, या जिसे हम अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं, वह करने लगता है, वह करना सीख जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर उस अनुबंधित उद्दीपक से संबंधित या उस अनुबंधित उद्दीपक से मिलता जुलता कोई अन्य उद्दीपक भी हम उसके सामने उपस्थित करते हैं तो भी वह अनुक्रिया करता है, स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे कि जब क्या हुआ कि पहले बेल बजती थी, फिर फूड आता था तो सेलिब्रेशन होता था, लार्स राव की प्रक्रिया होती थी। उसके बाद जब इन दोनों में जब कई प्रयासों तक ये दोनों लगातार दिए गए तो क्या हो गया कि केवल बेल बजने से ही केवल मात्र घंटी बजने से ही लाल स्राव होने लगता था, ये जब कुछ प्रयासों के बाद। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर पहले घंटी के साथ ही वह लाल स्राव करता था, लेकिन उद्दीपक सामान्यीकरण में यह बताया जा रहा है कि यदि घंटी से संबंधित, घंटी से मिलता जुलता कोई अन्य घंटी भी बजाई जा रही है, जो घंटी वहां पर बजाई जा रही है उस घंटी से मिलती जुलती कोई अन्य घंटी भी अगर वहां पर बजाई जा रही है तो कुत्ता उसके प्रति भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत मीडियम साउंड की घंटी बज गई टन की, फिर बहुत तेज बज गई, फिर एकदम धीमे बज गई, तो वो चाहे जिस टाइप की घंटी बजे कुत्ता क्या करता है, लार्स राव करता है, या प्राणी क्या करता है, वह अनुक्रिया करना स्टार्ट कर देता है, उसके प्रति भी वह अनुक्रिया करता है। समझ रहे हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर मात्र इतना बताया जा रहा है कि यदि अनुबंधित उद्दीपक से मिलता जुलता, अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी, इससे मिलती जुलती कोई अन्य उद्दीपक भी यदि प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उसके प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम बात करते हैं विभेदीकरण के बारे में। विभेदीकरण या जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, विभेदीकरण की प्रक्रिया में हम प्राणी को एक विशिष्ट उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करना सिखाते हैं और बाकी उससे मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति वह अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इससे पहले सामान्यीकरण में क्या था कि वह मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया करता था, लेकिन विभेदीकरण में उसे केवल एक विशिष्ट उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है इसको देखते हैं कि घंटी बज रही है और उसके बाद खाना आ रहा है और वो लार्स राव कर रहा है, फिर घंटी बजते ही वो लार्स राव कर देता है, घंटी बजते ही वो लार्स राव बार बार, जैसे घंटी बज रही है लार्स राव हो रहा है। लेकिन मान लीजिए यह घंटी फॉर एग्जांपल कि आप खुद ये प्रयोग कर रहे हैं और आपके मोबाइल के वॉल्यूम में आपने एकदम उसको फुल पे कर दिया, उसको आपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो 10 पे करके और उसके बाद बेल बजा रहे हैं, बेल बजाया और फिर घंटी बजने के बाद आपने क्या किया, उसको खाना दिया, तो क्या हुआ, लार्स राव हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, ठीक। लेकिन अब दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, दूसरी बार आपने साउंड को क्या किया, वॉल्यूम को थोड़ा कम करके 6 कर लिया और 6 पे आपने बेल बजाया और बेल बजाने के बाद क्या किया, आपने खाना दिया ही नहीं, नो फूड, खाना नहीं दिया।
तो क्या वो लाल नहीं करेगा? वह लाल करेगा, क्योंकि उसे तो अभी पता नहीं है, वह तो जनरलाइजेशन कर चुका है, वह तो सामान्यकरण सीख चुका है कि वह किसी भी धन के प्रति, उससे मिलती जुलती धन के प्रति भी वह लाल स्राव कर देता था, क्योंकि उसे लगता था इसके बाद भोजन आएगा। लेकिन जब कुछ प्रयासों तक, मान लीजिए वॉल्यूम कम करके फिर खाना दिया ही नहीं गया, लेकिन वह लाल स्राव कर रहा है, वह लाल स्राव उसने किया, फिर लगातार कुछ प्रयासों तक, बार बार यही प्रक्रिया होती है कि जब वॉल्यूम 10 करके घंटी बजाई जाती है तो खाना दिया जाता है और वह लाल स्राव कर रहा है, लेकिन जब वॉल्यूम को 6 करके फिर घंटी बजाई जा रही है तो खाना नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वह फिर भी लाल स्राव कर रहा है। लेकिन जब कुछ प्रयास लगातार हो जाते हैं तो क्या होता है कि जब कुछ दिन लगातार, हफ्ते 10 दिन ये प्रयास चलते रहते हैं, तो वह विभेद करना सीख जाता है, वह इन दोनों में अंतर करना सीख जाता है, वह सिर्फ उसी ध्वनि पर लाल स्राव करता है जिसके बाद उसे भोजन मिलता है। इसे ही विभेदीकरण कहा गया, इसे ही विभेदीकरण कहा गया कि जब प्राणी मिलते जुलते उद्दीपक में विभेद करना सीख जाता है तो उसे विभेदीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने अगले नियम के बारे में, जो कि है उच्चतर अनुबंधन, हायर कंडीशनिंग। यहां पर एक लेवल अप की बात की जा रही है, कैसे वो भी देखते हैं। आप इस बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इरेज करूंगा। क्या हो रहा है कि बेल बज रही है, बेल बजते ही लाल स्राव हो रहा है, उसके बाद खाना आ रहा है, तो लाल स्राव की प्रक्रिया यहां पर हो रही है। ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है कि घंटी बज रही है, घंटी बजते ही वह लाल स्राव कर देता है, तब तक भोजन भी आ जाता है, फिर घंटी बजती है, लाल स्राव, भोजन भी आ गया। ठीक, जैसे ही घंटी बजती है, घंटी और इसके बीच में कितना गैप होता है, कुछ मिली सेकेंड का। अब उच्चतर कंडीशनिंग की बात की जा रही है, हायर कंडीशनिंग की बात की जा रही है, उच्चतर अनुबंधन की। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक लेवल और अप करके बात की जा रही है कि अब क्या है, अब वह मात्र घंटी से ही लाल स्राव करने लगा है, घंटी बजते ही लाल स्राव करने लगता है, फूड की यहाँ पर जरूरत अब उसे नहीं पड़ती है, क्योंकि वह सीख चुका है, उसे पता है कि बेल बजा है तो अब लाल, तो अब खाना आएगा ही, इसे वह घंटी बजते ही लाल स्राव करने लगता है। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर एक अन्य उद्दीपक भी ऐड किया जा रहा है, एक अन्य उद्दीपक को भी जोड़ा जा रहा है कि घंटी बजने से पहले लाइट जला दिया गया, घंटी बजने से पहले क्या हुआ, लाइट जला दिया गया। मान लीजिए लाइट जली, तुरंत घंटी बजी, और फिर तुरंत उसके बाद क्या किया गया, यहां पर इसको देखें, इसको यहां पर देखें कि लाइट प्लस बेल प्लस फूड, उसके बाद सेलिब्रेशन। घंटी बजने से कुछ मिली सेकेंड पहले, कुछ सेकेंड पहले लाइट जला दिया गया, लाइट जलाने के बाद घंटी बजी, घंटी बजते ही लाल स्राव हुआ और खाना आ गया, फिर दूसरे बार भी लाइट जला, घंटी बजी, खाना आया, लाल स्राव, लाइट जली, घंटी बजी, खाना आया, लाल स्राव। ये जब कुछ प्रयास तक लगातार चलता रहा तो वह सीख जाता है, जो प्राणी है वह सीख जाता है कि पहले लाइट जलती है, उसके बाद घंटी बजती है, फिर खाना आता है, तो वह क्या करता है, वह घंटी से भी पहले जैसे ही लाइट जलती है तुरंत वह लाल स्राव कर देता है, तुरंत उसको पता चल जाता है कि लाइट जल गई, अब घंटी बजेगी और अभी खाना आएगा, तो वह लाइट जलते ही वह अंदर से एक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, एक आंतरिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है कि अब तो खाना आने वाला है, तो वह लाल स्राव की प्रक्रिया कर देता है, लाल स्राव की अनुक्रिया होने लगती है मात्र लाइट जलने से। उचित, अब यहां पर उच्चतर अनुबंधन की परिभाषा क्या हुई कि जब प्राणी के सामने अनुबंधित उद्दीपक से भी पहले
एक अन्य तटस्थ उद्दीपक बार बार कुछ प्रयासों तक उपस्थित किया जाता है तो वह प्राणी उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया करना सीख लेता है, जिसे यहाँ पर उच्चतर अनुबंधन कहा गया। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम पुनर्लाभ की या स्पॉन्टेनियस रिकवरी की, इसमें क्या होता है ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, हमारा जो दूसरा नियम था वह क्या था, आंतरिक अवरोध का नियम, कि जब खाना, जब घंटी बजती है वह घंटी के प्रति बेल बजती है और बेल के साथ साथ उसे फूड दिया जाता है तो वह सेलिवेशन करता है, लार स्राव करता है और उसके बाद फिर बाद में वह मात्र घंटी के, घंटी बजती थी लेकिन उसे भोजन दिया ही नहीं जाता था, घंटी बजती थी लेकिन कोई खाना नहीं दिया जाता था। तो कुछ प्रयासों के बाद क्या हुआ था, पहले तो वह लार स्राव करता था लेकिन आंतरिक अवरोध की प्रक्रिया में क्या हुआ था कि कुछ प्रयासों के बाद जब लगातार घंटी बजे खाना आए ही ना तो उसने लार स्राव बंद कर दिया था, लार स्राव वह करता ही नहीं था। यहाँ पर हमने एक चीज ये देखा था कि वह यह नहीं था कि वह भूल गया है, वह भूला नहीं था, वह जानबूझकर वो प्रक्रिया, वह अनुक्रिया कर ही नहीं रहा था, वह लार स्राव कर ही नहीं रहा था, आंतरिक अवरोध उत्पन्न कर लिया था उसने। लेकिन जब दोबारा 15-20 दिन बाद फिर से घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के बाद बेल बजती है और बेल बजने के बाद खाना दे दिया जाता है, बेल बजी, बेल बजने के बाद खाना दिया गया तो वो पहले प्रयास में तो लार स्राव नहीं करता है, फिर दूसरे दिन बेल बजी खाना दिया गया तो वह बहुत जल्द ही सीख जाता है। जितना टाइम सबसे पहले लगा था अनुबंधन होने में उतना टाइम नहीं लगता, उससे बहुत थोड़े ही समय में वह फिर से घंटी बजते ही लार स्राव करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब फिर से घंटी बजने के बाद खाना मिलने लगा है। इसे ही पुनर्लाभ कहा गया कि दोबारा लाभ, पुनर्लाभ या स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि उसने वो जो रिस्पांस था उसका, उसको रिकवर कर लिया। उसका रिस्पांस क्या था, उसकी अनुक्रिया क्या थी, लार स्राव करना, उस लार स्राव की अनुक्रिया को उसने दोबारा प्राप्त कर लिया कि घंटी बजते ही वह लार स्राव करने लगा क्योंकि अब उसको पता है कि घंटी बजने के बाद भोजन आने लगा है। इसे ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी या पुनर्लाभ कहा गया। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, लास्ट नियम के बारे में, जो कि है पुनर्लाभ का नियम। सॉरी यहाँ पे दो दो बार पुनर्लाभ हो गया है, एक्चुअली ये पुनर्लाभ नहीं पुनर्बलन है। पुनर्बलन या जिसे हम रीइन्फोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन या रीइन्फोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को दोबारा करने के लिए प्रेरित करती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी व्यवहार को दोबारा क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जब हमें पहले किए गए व्यवहार से कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं तो हम दोबारा उस व्यवहार को करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं। जैसे इसको एक अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने क्लास में अच्छा काम किया, आपने क्लास में अच्छा काम किया और टीचर ने आपको शाबाशी दी या टीचर ने आपको कुछ इनाम दिया, तो आप, ये इनाम क्या है, ये इनाम एक प्रकार का पुनर्बलन है। क्यों, क्योंकि वह इनाम आपको प्रेरित कर रहा है कि आप दोबारा फिर से वह प्रयास करें, वह इनाम आपको प्रेरित कर रहा है कि आप दोबारा फिर से वह प्रयास करें और आप फिर करना भी चाहते हैं कि मैं दोबारा से प्रयास करूंगा तो दोबारा से मुझे टीचर की तारीफ मिलेगी और मुझे इनाम भी मिलेगा। अब इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं पैवलाव के नियम में। जो पैवलाव का प्रयोग है वहां पर पुनर्बलन क्या है, वहां पर भोजन एक प्रकार का पुनर्बलन है जो लार स्राव की प्रक्रिया को, लार स्राव की जो अनुक्रिया है उसको दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही भोजन उपस्थित होता है तो कुत्ता लार स्राव करने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको पता है भोजन से उसको संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, जब भोजन के साथ घंटी जुड़ जाती है तो घंटी क्या है, घंटी भी एक प्रकार का पुनर्बलन है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि घंटी बजने के बाद भोजन आएगा
इसलिए वह लाल स्राव की अभिक्रिया करता है। तो पुनर्बलन को एक बार फिर से समझिए। पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी भी व्यवहार को दोबारा करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास से हम एक नए सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि है स्किनर का अधिगम सिद्धांत। धन्यवाद।